NCERT numerical 6.5 देखो, 6.5 अब तक जो हमने स्टडी किया है उस पर बेस्ड यही है न्यूमेरिकल. द केसिंग ऑफ ए रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन. कोई रॉकेट है उसकी जो केसिंग है बाहर का जो, वो फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है. केसिंग यानी जो आउटलाइन लेमिनेटेड टाइप जो होता है ना लेयर, वो जल जाती है फ्रिक्शन की वजह से. एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. बर्निंग के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आई? रॉकेट से या एटमॉस्फेयर से? कैसे? रॉकेट से. कैसे? एक्चुअली क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होना चाहिए ना. तो यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हुई वो कहाँ से आई, पहले वो किसके रूप में थी? देखो बेटा, जब रॉकेट जो चल रहा है ठीक है, उसकी दो टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये उसकी टोटल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है रॉकेट की डिपेंडिंग अपॉन इट्स हाइट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम बी स्क्वायर. इसका मतलब जो एनर्जी है वो मास पर डिपेंड कर रही है. जो एनर्जी है वो मास पर डिपेंड कर रही है. अंडरस्टूड आर नॉट? तो जो केस जल रहा है, जलने से उसका मास कम हो रहा है ना रॉकेट का. अगर रॉकेट का मास कम हो जाएगा, मास कम होने से पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी, इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो टोटल एनर्जी कम हो गई, वही एनर्जी उसकी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई. तो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है. तो वो जो एनर्जी उसे मिली है हीट एनर्जी, दैट इज ऑन एक्सपेंस ऑफ रॉकेट इटसेल्फ. रॉकेट का ही मास वहां पर लूज हुआ है जिससे हीट प्रोड्यूस हुई है. क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन इसी. कमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. कमेट यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे धूमकेतु, वो क्या है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अंडाकार ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, सर्कुलर मूव नहीं करते. ये कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कमेट ड्यू टू सन इज नॉट नॉर्मल. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है कमेट वेलोसिटी के साथ. फिर भी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर एवरी कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कमेट इज जीरो. देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, इसके चारों तरफ कोई कमेट मूव कर रहा है ठीक है जी, एवरी टाइम वेलोसिटी के साथ जो सन है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे द लाइन ज्वाइनिंग, फिर भी वर्क डन जीरो है. अगर मान लीजिए यहाँ से चले हम ए से और ए तक आए तो वर्क डन जीरो है. व्हाई द वर्क डन इज जीरो? वर्क डन जीरो के 90 डिग्री का एंगल अगर एंगल बनाए तब तो वर्क डन जीरो होने के लिए हमारे पास एक लॉजिक होगा कि यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है ठीक है बेटा. लेकिन अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री ना हो तो तब एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स. और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो. ऐसे फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट अ पाथ डिपेंडेंट, इज नॉट अ यानी वो किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. किस पर डिपेंड करता है बेटा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर. तो ये जहां से चला वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब वर्क डन जीरो. इसका मतलब वर्क डन जीरो. तो एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन जीरो होता है. कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन क्या होता है? जीरो. अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है. तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का आइडिया लग गया. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं बेटे जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे. सिर्फ किस पर डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर. और वो फोर्सेज जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे, जैसे कि फ्रिक्शन, पाथ चेंज होने से फ्रिक्शन चेंज हो सकता है. वहाँ पर कीचड़ वाला पाथ है या मिट्टी वाला पाथ है या रोड बनी हुई है या कच्चा रास्ता है, इस चीज से डिपेंड करेगा कि वहाँ फ्रिक्शन कितना है. हाँ या ना बोलो? यस yes. तो जब पाथ डिपेंडेंट होगा तो ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस.
तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, तो ग्रेविटेशनल हो गया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई डाउट है तो ये क्वेश्चन हो गए। आगे है पार्ट सी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फियर लूजेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो धरती के जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, फिर भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती क्यों है, फिर भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती क्यों है। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, ये क्या है, इसके चारों तरफ कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर काट रहा है, क्लियर हो। तो जैसे ये धरती के नियर बाय में आएगा, धरती के नज़दीक आएगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो बेटा, जब ये यहाँ पर है, जब ये धरती से दूर है तो इसकी हाइट है h1, जब ये धरती के पास आया तो इसकी हाइट कितनी हुई h2, तो हाइट क्या होगी बेटा, कम होगी, हाइट क्या होगी कम, धरती के पास आने से हाइट कम होगी, हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या डिक्रीज होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर फॉलो होगा, हाँ या ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, समझ आई बात के नहीं आई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मास तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा बेटा, वेलोसिटी चेंज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहनी चाहिए बेटा, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक। तो अगर हाइट कम कर रहे हैं, जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं धरती से हाइट कम हो रही है ना, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ आई बात के नहीं आई, इसके कुछ और भी किसी और तरीके से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, बट वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बाद में, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तब बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है जी। तो ये था पार्ट सी, अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट डी की। इन डायग्राम 6.13, एक डायग्राम दे रखा है 6.13, द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग ए मास ऑफ 15 किलोग्राम इन हिज हैंड्स, जो मैन है वो 15 किलोग्राम का मास लेके अपने हाथों में ट्रेवल कर रहा है। ये आप डायग्राम NCERT की बुक से देखिए, ये डायग्राम दे रखा है ना, इसमें दो चीज़ें दिखा रखी हैं, क्या, एक में तो एक इंसान जो है वो कुछ मास ऐसे लेकर अपने हाथों में चल रहा है, और दूसरे केस में उसने एक रस्सी से मास को बांध रखा है, रस्सी एक पुली के ऊपर से जा रही है और वहाँ पर एक मास हैंगिंग है, हाँ या ना बोलो। तो एक कंडीशन तो ऐसी है बेटा कि ये कोई पर्सन है, इसने ऐसे हाथ में मास उठा रखा है, तो इसका जो वेट है mg, इसके अगेंस्ट ये फोर्स लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स। तो मैन किधर फोर्स लगा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ, और चल किधर रहा है, इधर। तो F और S के अंदर थीटा कितना, 90 डिग्री, तो वर्टिकल कितना, जीरो, क्योंकि पर्सन फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, पर्सन फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। दूसरी कंडीशन में जो मैन है वो क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है रस्सी को, और मास ऐसे लटका हुआ है एक पुली से, तो ये हो गया mg, आया ना। लेकिन पर्सन फोर्स किधर लगा रहा है, इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नॉन जीरो, जीरो नहीं है ना ये, हाँ जी। अब ये बोल रहा है कि बताओ वो किस कंडीशन में ज्यादा काम कर रहा है, इन विच कंडीशन द वर्क डन इज ग्रेटर, बताओ किस कंडीशन में वर्क डन ज्यादा है, इस कंडीशन में। लेकिन हमें सोचने से क्या लग रहा है, भाई ऐसे उठा रखा है, बहुत काम कर रहा है आदमी तो, है ना, और पुली से खींच रहा है तो आराम से खींच सकता है, तो आदमी क्या जवाब देगा कि अभी पहले वाली कंडीशन में ज्यादा वर्क डन कर रहे हैं, नो, वो पहले वाली कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो वेट उसने उठा रखा है वो अर्थ से या जीरो लेवल से कॉन्स्टेंट हाइट पर है, तो फोर्स तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी लगा रहा है और डिस्टेंस उसका हॉरिजॉन्टल है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, हाँ या ना बोलो। इसमें ये तो पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल है और ये जीरो वर्क का एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल NCERT का अपने टॉपिक्स पर बेस्ड।